Morning student, 7th class physics. Today we are going to discuss about in-text exercise question answer. And the first question, define the following term: incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence and angle of reflection. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है. ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको शो करेंगे. देखो हमने क्या लिया, ये एक प्लेन मिरर. हमने क्या लिया, प्लेन मिरर. और प्लेन मिरर पे किसकी क्या की गई थी, सिल्वर की कोटिंग की गई थी. सिल्वर की कोटिंग क्यों की गई थी, कि ताकि लाइट बाहर रिफ्लेक्ट ना हो सके. ये मैंने क्या लिया, एक नॉर्मल. क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल. अब इस पर हमने क्या करवाई, इंसिडेंट लाइट. ये लाइट इंसिडेंट, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाई. ये इससे टकरा के आगे तो मीडियम में जाएंगे नहीं, तो यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल. तो देखो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे. ये कौन सी ली थी हमने, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कौन सी है, जो मैंने इस ये उपयुक्त ऑब्जेक्ट या फिर जो मिरर लिया था, इस मिरर के ऊपर जो लाइट हम क्या करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, वो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे. जब हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल. क्या बोलते हैं, नॉर्मल. और जो ये लाइट इससे टकरा के इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या बोलेंगे, कौन सी रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे क्या हुई, जो इस पे क्या हो रही है, फॉल. तो इंसिडेंट रे की क्या डेफिनेशन, द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई, दैट इज इंसिडेंट रे. फिर द रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, जो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, नॉर्मल. जो परपेंडिकुलर हम सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल. फिर जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. तो ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो ये डायग्राम बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिफ्लेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, व्हेन म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल ऑन ए हाईली पॉलिश सरफेस. जब हम म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट रे को एक सरफेस के ऊपर फॉल गिरवाते हैं, करते हैं, तो वो रे जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है वो उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और क्या होगी, पैरेलल. तो इसमें तुम्हें एक ये डायग्राम बनाना है. ये मैंने हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस लिया, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और पैरेलल है ना एक दूसरे के साथ जब भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसमें हम अपनी इमेज अच्छे से देख सकते हैं. बट जो इरेगुलर सरफेस है, जिसमें सरफेस स्मूथ नहीं है, उसमें डायरेक्शन देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो व्हेन म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल ऑन ए रफ सरफेस, द ऑल रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये सारे के सारे लाइट रे कौन से डिफ्रेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम बनाना है. नेक्स्ट है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जब लाइट बैकबोन होके वापस से जा रही है, द बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओप्यूग ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट वापस से बैकबोन होके जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर आता है लो, है दो रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल ऑफ आई किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ आर के. सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं. तो यहाँ तक बेटा क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम बोले हैं तीन डायग्राम, और उनको फिर नोटबुक में रन करना है ओनली जेल पेन के साथ. कल हम डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके.